हर युग का एक मसीहा होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है, उन्हें जीने की नई राह दिखाता है, उनके दामन में खुशियां बिखेर देता है। ये कहानी एक ऐसे मसीहा की। अरे नहीं है यार, चिंता मांगने वाले हो तुम लोग, मुझे पूछोगे कि 30 मरखा कहाँ है और मैं तुमको बता दूंगी। हाँ चलो फिर से पूछो, फिर से, और इस बार सख्ती से पूछो। हाँ को बुलाओ, चलो चलो। बॉस बॉस बॉस, हम इन कपड़ों में क्या कर रहे हैं? मेरे प्लान के मुताबिक जो हमें सामान चाहिए वो हमें इसी सेट से चुराना। बॉस, जग्गी पांडे, जग्गी पांडे। बॉस, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी, गलती सबसे होती है। हाँ सर, ऐसे ऐसे और ऐसे। डांसर्स, आप लोगों को गुलाल उड़ाना है। ओके, ए, मेरे ऊपर मत फेंकना, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। चलो। अरे वहाँ बुलाया है। अबे हम लोग डांसर नहीं, चोर हैं। चलो। रोल डाउन कैमरा, एक्शन। चोली में होली टेक वन। मुझे इधर उधर हाथ लगा रहा है। मैं बोल रहा हूँ शूटिंग रोको, मैं बोल रहा हूँ ये हमले को रोको। अरे मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े। शूटिंग का सामान कहाँ है? अरे मेरा कैमरा, मेरी लाइट, अरे मेरी सीटी, मेरी चड्डी। अरे सर, वो कैमरा का वैन भी चोरी हो गया। ए, ये वही रास्ता है ना जो नारायणपुर जाता है? हाँ बॉस, ये वही गांव है जो रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है। सोडा ने बोला मेरे को। हाँ, डॉलर ने ये रास्ता बताता है ना डॉलर। हाँ, मैंने क्या बताया? मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि नारायणपुर किस कद्दू का नाम है। तुम लोगों के एक कान के नीचे बजाएगा मैं। पता नहीं कैसी वानर सेना पाल रखी है मैंने। मैंने बस इससे बताया। ये सुना मेरे को। मैंने तुम लोगों को बोला था ना नारायणपुर की तरफ, तुमने पहले से बताया कि रखो ना। किसको ठोका तूने? मालूम नहीं बॉस। साले किसको ठोका तूने? अरे बचाओ, अरे बचाओ। अबे आवाज तो आ रही है। अरे उधर नहीं, ऊपर ऊपर। भाई साहब हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए भाई साहब। बॉस गांव ले, लगता है आज बहुत पड़ेगी बॉस। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सारा इल्जाम तुम लोगों के सर पे डाल दूंगा। बॉस तुम भी ना। चलना आगे। ईश्वर तू ठीक तो है ना? हम तो ठीक है नाना जी, बचे हुए हैं। इसकी तरफ से हम सब आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता है, पर जानबूझकर नहीं। नादान है ईश्वर, बावला है दिमाग से। हाँ, 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 हाँ। ऐसे इस छोटे से गांव का नाम है धुलिया और मैं हूँ यहाँ का मुखिया। आप कौन? जी मैं इन तीनों का मुखिया। या, या, हाँ, या, या। मेरा नाम है नाना पाटेकर गनपुले। ओ हाँ हाँ। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम नारायणपुर। यही 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 धुलिया, बहुत नाम सुना था मुंबई में इस गांव के बारे में। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की मर्दानगी, यहाँ की तंदुरुस्ती और यहाँ के रेलवे ट्रैक्स, हमारे काम के लिए इससे बेहतर जगह पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, समझे? काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। अटैक। देखा नाना, अब तो हमारे गांव के चर्चे बंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होने लगे। मैंने कहता था एक दिन हमारा गांव बहुत मशहूर हो जाएगा। सूबेदार। हाँ नाना, उधर नहीं इधर है। Hey, Julia, here I come. Lights, camera, action. कितनी अच्छी जगह, फर्स्ट शॉट हम यही लेंगे। ये भी ना कोई बात, ये छोटी फिल्म नहीं है, बड़ी फिल्म है। जाओ बड़ा कैमरा ले जाओ, खेतों में रखो, जाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। लाइट 500 बोल रहा है। एक काम करो, सूरज को बोलो यहाँ आने के लिए। ए सूरज, फटाफट कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। कैमरा यार लाओ, लाओ बड़ा कैमरा। वेरी गुड। एक काम करो, कुछ औरतों को बोलो खेतों में लेट जाए, फटाफट लेट जाओ। वेरी गुड। औरतें कह रही है यार, सर सूरज नहीं मान रहा है। ओहो, सूरज नहीं मान रहा है। एक काम करो, उसे घूस दो और बोलो इधर आए, फटाफट। सूरज सूरज, मानी मानी। चार औरतों ने मारा मुझे। ओहो, तो तुम लेट जाओ नंगे खेतों में, रेडी। अरे कोई मुझे भी तो बताओ कि क्या हो रहा है। बेटा ये क्या कर रहे हो? शूटिंग, शूटिंग। जानवरों की शूटिंग? चिंकारा ब्लैक बग। ओहो, फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ, सिनेमा, समझे? पिक्चर की शूटिंग? अरे गुल्लू सत्तू चाची, हमारे गांव में पिक्चर की शूटिंग होने वाली है, सभी लोग आ जाओ।
इंस्पेक्टर धुरिंदर, मैं यहाँ के थाने का अध्यक्ष हूँ। क्या मैं आपके यहाँ शूटिंग करने का क्या क्या क्या, क्या बोलते हैं उसको वै, 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 परमिट परमिट देख सकता हूँ? क्या बात है, आवाज सुनी? सुनी आवाज इंस्पेक्टर साहब की? बॉस बॉस, मैं तो कहता हूँ इन्हें वो वाला मेन रोल दे देते। बॉस, वो दूध वाले का रोल इसको दे देते, लगता भी है। अरे नहीं, दूध वाले का नहीं, दूध वाले का रोल को इंस्पेक्टर का बना दिया। क्या क्या क्या, ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। लेकिन आप मेरे लिए क्यों अपनी पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बदलेंगे? मतलब क्या क्या जरूरत है? मैं कौन? डायरेक्टर। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा सर? देखो बेटा धर्मेश, धर्मेश शो बिजनेस में या तो तुम्हारे पास है या फिर नहीं। और धर्मेश, क्या मैं तुम्हें धर्मेश बुला सकता? वैसे तो धुरिंदर। ठीक है धर्मेंद्र, तुम्हारे अंदर वो बात है। अब क्या क्या बात है? सेक्स फैक्टर, बच्चों की फिल्म है। एक्स फैक्टर, एक्स एक्स फैक्टर, तुम्हारे अंदर एक्स फैक्टर है और मुझे चाहिए, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए एक्स्ट्रैक्टर। नहीं, मुझे शूटिंग परमिट चाहिए। अरे फिकर नॉट, आप शूटिंग का बंदोबस्त कीजिए। अरे परमिट का तो जुगाड़ में कर ही दूंगा। आवाज सुनी है गले में? सरस्वती है, सरस्वती। सर आप बंदूक मार दी साली की मैंने। अरे अरे हमें वो चाहिए सर, हमें वो चाहिए। अच्छा सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी फिल्म में सबको एक एक रोल मिलेगा। वाह, और शूटिंग एक हफ्ते बाद शुरू होगी, तब तक आप लोग तैयारियां करें। कैसी तैयारियां साहब? हाँ कैसी तैयारियां, गुड क्वेश्चन। आप सबको इन दोनों की तरह सिक्स पैक बनाने होंगे। सिक्स पैक? अच्छा अब हम चलते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, अरे मुझे भी तो कोई नीचे उतारो। और डायरेक्टर साहब, आप टेंशन ना लो जी, भाई मेरा हीरो आप ही का तो बच्चा है, चेक भिजवा दो बस। अच्छा और कब जा रहे हो माता रानी के दर्शन के लिए? तेरी माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज उसकी जगह मैं हॉलीवुड में होता। मैं, अगर तूने मुझे डैनी डॉयल के फोन के बारे में बताया होता। मुझे कैसे पता होता कि डॉयल हॉलीवुड का डैनी है? वो पिंच डैनी, डैनी कुछ कर रहा था, मुझे लगा डैनी डैन सब होगा, मैंने भगा दिया उसे। वो कैंटी बच गई सर जी। हाँ सिक्योरिटी कौन है? अरे आशीष, तुमने किसी मनोज को बुलाया क्या? पूरा नाम तो पूछो। पूरा नाम क्या बताया? कोई मनोज रामलन हॉलीवुड से। ओ अच्छा, मनोज रामलन हॉलीवुड से। मनोज रामलन फिफ्थ सेंस का डायरेक्टर मुझसे मिलने आया? अंदर तो बुलाओ गधे। ओ अंदर भेज दो भाई। जरूर कोई हॉलीवुड का ऑफर लाया होगा उसने। यस यस यस। आतिश जी, लगता है आपका हॉलीवुड का सपना अब साकार होने जा रहा है। गॉड इज ग्रेट। अच्छा हुआ मैं यहाँ था, वरना तुम इस मनोज को भी मनोज बाजपेयी समझकर भगा दिया होता। अब इतने भी नहीं है सर जी। अब अंदर बुलाओ उसे, मैं तैयार हो गया था। हाँ बिल्कुल। Who the hell are you? कौन हो तुम? Myself बंटी बवेजा। कुछ तो वजह होगी। हैं? तुमने तो कहा बंटी बेवजा। बंटी बवेजा, सेक्रेटरी हूँ मैं आतिशी का। आ ब्लडी सर्वेंट। बदबू आ रहा है, गेट आउट। हे कहाँ घुस रहे हो तुम? अरे बताओ तो सही, हो कौन तुम? मैं हूँ मनोज रामलन, इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम हॉलीवुड। टैचवुड। नहीं 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 नहीं, तुम मनोज रामलन हो ही नहीं सकते। मैंने उसकी फोटो देखी है, वो तो काला है। He's dark, I know that. Yeah, yeah. देखो बेटा नौकर, जिसकी फोटो तुमने देखी है वो मेरा छोटा भाई है, मनोज नाइट रामलन। और मैं हूँ मनोज डे रामलन। नाइट भाईजान रात के वक्त पैदा हुए थे, इसलिए वो बेचारे काले हैं। और मैं दिन के वक्त पैदा हुआ था, इसलिए मैं गोरे हैं। आतिश, 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 बेटा आतिश, बेटा छुपो मत नीचे, आ बेटा बाहर आओ। आतिश, 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 आतिश,
बोरा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। हाँ, ऑस्कर। हॉलीवुड में तो मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, लेकिन इंडिया पे मैं पहली बार फिल्म बनाने वाला हूं। इंडिया की गरीबी और इंडिया का गरीब सुपरस्टार। सर जी, परफेक्ट रेसिपी फॉर ऑस्कर। होल्ड ऑन बॉस, अमीर। मुझे गरीब मिल गया, अमीर नहीं चाहिए। आमिर साहब, ओ तेरी आइला, वो वाला। ओफ ये स्ट्रगलर्स, तुम उसे कह दो, ला मैं उसे कह देता हूँ। आमिर बेटा देखो, मैं ये फिल्म सिर्फ खास ऑस्कर के लिए बना रहा हूँ, समझे? मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर्स चाहिए, समझे? तुम नहीं चाहिए, बाय। देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो कितना गरीब है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये फिल्म सिर्फ आतिश कपूर के साथ ही बनाऊंगा, समझे? अगर तूने दोबारा डायरेक्टर साहब चिल्लाया तो चड्डी उतार दूंगा। नहीं सर, चड्डी नहीं सर। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि फिल्म की कहानी क्या है। अब इतना पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया सर? ओके ठीक है, आमिर को होल्ड पे रखना। होल्ड प्लीज। लेकिन अगर हमारे बंटी जी को ऑस्कर विनिंग कहानी पसंद नहीं आई तो आतिश का ऑस्कर हम आमिर साहब को दे। नहीं, हमको कोई कहानी नहीं सुननी सर जी, हमको सिर्फ ऑस्कर। कहानी तो मैं सुना के रहूंगा आतिश जी, आई इंसिस्ट डार्लिंग। कहानी एक ऐसे महान इंसान के बारे में है जिसका नाम है तीसमार खां। लेकिन कहानी क्या है जी? तीसमार खां एक क्रांतिकारी है जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत करता है, करोड़ों के हीरे मोती जेवरात की चोरी, एक हैरत अंगेज प्लान, दिल को दहला देने वाला सस्पेंस। क्या क्या है वो पलान? यही तो सस्पेंस है। मुझे कहानी पसंद है, मैं पिक्चर कर रहा हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आमिर को बोलो बैकअप उसका। सॉरी आमिर, बैकअप। पर इनकी फीस का क्या होगा? पैसे पैसे। आतिश अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम्हें ऑस्कर चाहिए या पैसे चाहिए? ऑस्कर दे हो मनोज, दे हो दे हो दे हो। शूटिंग कब शुरू होगी? शूटिंग शुरू होगी अगले हफ्ते दूलिया गांव में। Yes. दूलिया कहाँ है? दूलिया, दूलिया कहाँ है? यही तो सस्पेंस है। पहुंच जाएगा तुम्हारे वहां एड्रेस। दे हो दे हो। सुनो, कल सुबह ठीक 9 बजे ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है कि वो आज पहुँच जाएगा? हाँ? बोलो, चुप क्यों? जवाब बताओ। टेक्स्ट बुक से कॉपी करता हुआ स्टूडेंट और 30 मार खां के भेजे से निकला हुआ प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, चिल्लाओ मत। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ ब्यूटी पार्लर भी नहीं है। हाँ, वो सरप्राइज है डार्लिंग, सरप्राइज है, सरप्राइज। सरप्राइज? और गर्ल्स प्लीज टेक केयर ऑफ, इनका ध्यान रखना, ओके? ठीक है। और आपका? मेरा ये रखेंगी। फटू ना। माय फेवरेट कलर, कैन आई कॉल यू पिंकी? हैंड इज अप। डायरेक्टर साहब, कैसा लगा मेरा डायलॉग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डायलॉग सारी पिक्चर में जा। हैंड्स अप, हैंड्स अप, जाओ जाओ। हैंड्स अप? अबे डर बे हो? हां जाओ जाओ, दिसंबर जाओ, गांव वालों को डराओ, जाओ। हां ठीक है, जो भी है। हैंड्स अप। अरे आतिश कपूर जी आ रहे हैं, वो देखो हेलीकॉप्टर। हम आए बैंड शुरू करा के। अरे इधर आ रहा, इधर। अरे बचाओ बचाओ।
रितेश कपूर के साथ फिल्म बना रहा हूँ। क्या? और उसकी हीरोइन हो तुम। आई लव यू। पब्लिक में नहीं, पब्लिक में नहीं। चल नाटक मत कर। ओके ओके समझ गया समझ। आतिश जी, मैंने हॉलीवुड में हर जगह पता कर लिया है, किसी ने भी ये मनोज डे रामलन के बारे में कुछ सुना ही नहीं। मुझे तो सर ये एक नंबर का फ्रॉड लगता है। बस बस बस, तूने डैनी डॉयल को डैनी डेंगजोंग पास समझकर भगा दिया था डफर। सॉरी सर जी, ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं। लुक एट हिम यार, लुक एट हिम। और गांव वाले ट्रैक पे लेट जाएंगे और टेंटो में नजर आएंगे, समझे? जीनियस। मैं एक काम करूंगा, कैमरा लेके सीधा हैंडी सब। अबे पागल है क्या तू? ये देखो जी मेरा एक्सट्रैक्टर। एक काम कर, मुंह पे एक और एक्स लगा ले, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। चल जा, गुड आइडिया सर। गो गो गो। हीरोइन हमेशा ढकी हुई अच्छी लगती है। ये लो तब्रेज। क्या है? मुझे आतिश जी से कब मिलाओगे? हे हराम, शूटिंग खत्म हो जाएगी तब। ही सच अ मीनी। चार्ली कम इन, चार्ली चार्ली डू यू रीड मी? ओए चार्ली है, चार्ली। चार्ली नहीं है यहाँ पर, जोरी ब्रदर्स हैं। चलेगा? हेलो बॉस, मैं बोल रहा हूँ रोमियो। हाँ रोमियो बोलो, क्या खबर है? बॉस बहुत बुरी खबर है, रेन माल लेकर आज नहीं आ रही है। आ, आज क्यों? अरे पुलिस कमिश्नर ने सिक्योरिटी रीजंस के वजह से ट्रेन को डिले कर दिया है। तो फिर कब आएगी? एक हफ्ते बाद। क्या? ओके बॉस, ओवर एंड आउट। कितना ओवर हुआ? कौन आउट हुआ? हेलो 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 हेलो। आज मैच किसका था? एक बुरी खबर है। तुमसे बुरी क्या हो सकती है? बोलो। ट्रेन नहीं आ रही है। क्यों? तो फिर ट्रेन माल लेके अगले हफ्ते आ रही है। तो एक हफ्ते हम लोग क्या करेंगे? अंडे दूंगा यहाँ बैठ के? नहीं, डायरेक्टर हो ना, शूटिंग करो, शूटिंग। शूटिंग इन गधों के साथ। बाय बाय। अबे मैं पागल हो जाऊंगा। बॉस, हां मैं आपके साथ। हां बॉस। सच बच्चों? हाँ बॉस। मैं सामान बांधता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ बॉस, मैं रास्ते के लिए खाना पैक करता हूँ, और मैं तुम तीनों के कान के नीचे बजाता हूँ बॉस। जब तक हम माल नहीं लूटेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक क्या करें? मैं डायरेक्टर हूँ। यस। तो हम लोग शूटिंग शूटिंग खेलेंगे बॉस। ये रोमांटिक सीन हो रहा है हरामखोर। चलो जूलिया के 207 कलाकारों का मनोज डे रामलन की फिल्म भारत का खजाना के पहले दिन की शूटिंग पर आप सबका हार्दिक स्वागत। अब हम शूटिंग शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप लोग देखो कि एक्टिंग कैसे की जाती है। उसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ हमारे भारत के भयंकर आर्टिस्ट सुपरस्टार आतिश कपूर। ओके ओके ओके, बस बस। और भारत की सुपर हीरोइन आलिया। हमको क्या मालूम? मालूम नहीं हमको। कैमरा तो शुरू होने दे मेरी माँ। अब हम शूटिंग शुरू करेंगे। He's such a mean. Silence, silence. Thank you, thank you. Camera ready.
Ready, yes, sir. Lights ready. Ready, sir. Sound ready. Sound ready. Sound ready. Sound ready. Sound ready. Sound ready. नहीं कोई बात. Clap, please. Acting करेगा. Acting कर. Action. नहीं. Yo, hey. करना क्या है? Cut. Stop camera. Hand cut. Camera cut. Lights cut. Foot head cut. Sound cut. आतिश, गुड क्वेश्चन आतिश जी, कमाल का सवाल किया आपने. अगले साल आप ऑस्कर लेके रहेंगे. लेकिन मुझे करना क्या है? गुड क्वेश्चन अगेन. और उसके बाद मैं ऊपर से कैमरा लेके नीचे आऊंगा और फिर वापस ऊपर लेके जाऊंगा और फिर घूमता हुआ और सब जगह घुमा दूंगा. ओ तेरे बेटा, ये टू मच है यार. ये साला लोकेशन ही बदलता रहेगा, क्या शूटिंग भी कराएगा सर जी? और उसके बाद मैं एक ऐसा शॉट लूंगा. डायरेक्टर साहब जी, ये रही बैंक की सारी चाबियां, ये आपकी शूटिंग के काम में आएंगी. आंटी घर पे जी. सीन क्या है हमें तो बता. बस अब हम बैंक रॉबरी लेंगे आज. रॉबरी? सर जी, ये डाकुओं की फिल्म है या क्रांतिकारियों की? सर लेकिन मैं तो क्रांतिकारी हूं ना पिक्चर में. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. आप क्रांतिकारी हैं एंड दिस इज अ ब्लडी ब्रिटिश बैंक. बैंक? कुछ समझा नहीं. देखिए, आप क्रांतिकारी हैं, बैंक के अंदर घुस के अंग्रेजों का पैसा लूट के गरीब हिंदुस्तानियों को बांट देते हो. गरीब हिंदुस्तानी. अस्क, अस्क, अस्क. देहो. देहो, देहो. मैं इस सीन में क्या कर रही हूँ? हाँ, तुम एक अंग्रेजी मैम हो. अंग्रेजी मैम? हाँ. तो ये बैंक क्यों लूटेगी? ये बैंक क्यों लूटेगी? ये बैंक क्यों लूटेगी? क्योंकि इसका बाप हिंदुस्तानी है. He's an Indian. ये और आतिश जी मिलके अंग्रेज सरकार को लूटते हैं. वाओ, मैं और मेकअप लगा के आती हूं. जाओ 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 और थोप के आओ, जल्दी जाओ. अंग्रेज सरकार, अंग्रेज सरकार, या तो साला एक अंग्रेज नजर नहीं आ रहा. सर जी, आपका सेक्रेटरी भी गुड क्वेश्चन पूछ रहा है. Got it. Got him. There he is. My झाड़ू वाला अंग्रेज. My actor, bring him. तेरी लाइन बना देते. चल चल चल. ये रहा आपका अंग्रेज. डे, ये तो गांव वाला है, इंग्लिश कैसे बोलेगा? Good question. Very good question. इसके मुंह में च्युइंगम डालो. Yes, boss. चबाओ. I can talk English. Do you want to listen to my English? Yeah. English. Get him ready now for the shot. Leg him fast. And action! लेकिन डे, मुझे इस सीन में करना क्या है? आतिश, 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 ये मत पूछो कि मुझे क्या करना है. ये पूछो कि मैंने क्या किया है अपने देश के लिए. हैं? हाँ, आंखें बंद करो अपनी तुम. क्यों? आतिश, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें मेरी कसम है, आंखें बंद करो. गुड बॉय. और अब सोचो, अंग्रेज सरकार बरसों से हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रही है, भोले भाले हिंदुस्तानियों पे जुल्म ढा रही है, भारत माँ के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया, यहां तक कि औरतों और बच्चों को भी वो लोग सबका गए. शॉट ले लो,
शॉट ले लो, शॉट ले लो बॉस, शॉट ले लो, शॉट ले लो। पैसे का क्या करेगा? अहिंसावादी बंदूक भी नहीं खरीद सकता है, खादी पहन के नंगा घूमता है। मारो, मारो साले अंग्रेजों को। कैसा लगा मेरा नंगा हाथ तेरे नंगे गालों पर? Very nice. I will go and get the money now. White shot, white shot, white shot, white shot. चालू रख सब कुछ, कैमरा चालू रखना। सैम, सैम मतलब माफ कर। मुझ पे तोप चलाएगा? हिम्मत है तो मेरी छाती पे चलाओ। बॉस ये पागल हो गया है, उसको रोको बॉस। माँ का दूध पिए तो चलाओ। बॉस कट कट करो, कट 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 कट। फायर फायर। एक बाप की औलाद है तो चलाओ। मैं बस थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया। मुझे तो लगा कैमरा में घुस जाएगा। But what a performance, what a performance, Oscar award winning performance। और मेरा performance? Rotary Club award मिलेगा तुमको। Wow, मैं अभी speech लेकर आती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। सर मैं थोड़ा change। हाँ, change कर लो, जाओ, dry कर लो अपने आप को। सुन बे वो। I love you sir जी, I love you। Excuse me, boss. एक जरूरी बात करनी boss. बोलो. फिल्म खत्म हो गई boss. दूंगा एक कान के नीचे, समझे ना? फिल्म खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक हम माल नहीं लूट लेंगे. नहीं, वो माल नहीं boss. वो फिल्म जो कैमरे में लगाते ना. वो negative. हाँ, वो खत्म हो गई है. अरे मुंबई से जो माल हमने चुराया था ना, जो लाया था ना boss, वो खत्म हो गया. boss एक idea. बोलो. बिना stock के shoot करते हैं. इनको क्या मालूम पड़ेगा? ये बैठो. नहीं यार, आतिश और बंटी पिछले 10 साल से फिल्म इंडस्ट्री में. आतिश तो चलो चलो संभाल लेंगे उसको, लेकिन बंटी है ना तुरंत समझ जाएगा। तो बॉस करे तो क्या करे फिर? शहर से सामान लाना पड़ेगा हमको, हमारे पैसे भी खत्म हो गए अब तो, और 5-6 दिन की शूटिंग करनी है तो 5-6 लाख रुपए तो लग जाएंगे ना। टटन, ये क्या है? बॉस, बैंक की तिजोरी की चाबी जो खुद बैंक के मैनेजर संतराम ने हमें दी है। क्या इरादा है बॉस? नेकी और पूछ पूछ, वेल डन वेल डन। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी किया करते हैं। आज शुक्रवार है, अगले 2 दिन बैंक बंद रहेगा, सोमवार को बैंक हॉलिडे है, मंगलवार को हम ट्रेन लूटेंगे, सारा गांव आ रहेगा, बुधवार से पहले किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने बैंक लूटा है, और हम सारा माल लेकर यहां से निकल जाएंगे और हम आराम कर रहे होंगे। क्या बात है, बस बस बस। ऊपर वाले की कितनी कृपा है ना नाना जी, कि ये फिल्म वाले हमारी धुलिया में आए शूटिंग करने के लिए। अरे वो दिन अब दूर नहीं जब टूरिस्ट लोग हमारे धुलिया आएंगे अपनी छुट्टियां और हनीमून मनाने। और देखते ही देखते हमारा कारोबार जोरों शोरों से चलने लगेगा। सुनो सुनो सुनो, क्या? हाँ मर गया,
तेरा भतीजा लगता है क्या मर गया? चल चल अंदर। पता है मम्मी, फिल्म का हीरो आतिश कपूर है। पर मेन रोल मेरा है। तुझे पता है मैं आतिश कपूर के बाप की बहुत बड़ी फैन थी। चल मैं भी आती हूँ तेरी शूटिंग पर, आखिर डायरेक्टर की माँ जो हूँ। अच्छा कहाँ चल रही है तेरी शूटिंग? गर्ल्स हम लोग कहाँ है? धूलिया चल टपकती हूँ वहाँ। अरे भाई, अरे भाई तुम लोगों में से किसी ने डायरेक्टर साहब को देखा है क्या? हाँ मैंने देखा, मैंने देखा। वो ना अपने तीन दोस्तों के साथ बैंक की तरफ गए। बैंक? बॉस, बॉस लगता है इन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे बॉस? ऐसे मौके पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। क्या? भागो। काले जंगल की तरफ जा रहे हैं। हैरान, अरे कोई रोको उन्हें, वो तो बिन खोपड़ी के भूत का जंगल है। अरे उन्हें कोई रोकेगा तो ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। चलो। अरे रुको, अरे चाचा जी, तेज भागो सालों, रुकते नहीं हो। नहीं रुकूंगा तुम लोगों के लिए भी। अरे और भी घने जंगल में घुसते चले जा रहे हैं, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब आप भी चलिए ना साथ। चलो चलो, चलो। ये क्या हो रहा है? उन्हें अब तक रोका क्या नहीं? अरे अभी अपने लड़के गए नहीं काला जंगल में? अरे मेरे लिए तो हर जंगल काला।
जहां हम गांजा उगाते हैं। ये सारे बच्चे हमने हमारे काम करने के लिए तुम्हारे गांव से अगवा किए और बिन खोपड़ी के भूत का डर फैलाया था ताकि तुम गांव वाले इस जंगल की तरफ कभी आ न सको। ची 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 ची। लानत है हम पर। हम कुछ नहीं कर सके सुबेदार। आज अगर हमारे डायरेक्टर साहब नहीं होते तो अरे अरे आपने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इतने बड़े खतरे का सामना किया। हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा शेर दिल इंसान कभी नहीं देखा। हाँ। इस एहसान का बदला तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं हम। ये क्या? नहीं, संतराम से पता लगा कि आप लोगों को पैसों की जरूरत है तो हम लोगों से जितना बन पाया हम लोगों ने इकट्ठा किया। करीब 5-6 लाख हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके शूटिंग के काम आ जाएंगे। बैंक खुलते ही हम और पैसों का बंदोबस्त कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, इतने से काम चल जाएगा। थैंक यू। आप लोगों ने ये पैसे स्वीकार करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस फिल्म बनाते रहिएगा, शूटिंग मत रोकिएगा। धन्यवाद। अच्छा जी, चलो भाई चलो। मुखिया जी, बॉस, हमने इन भले लोगों के साथ बहुत गलत किया। गलत तो किया है लेकिन सही भी करेंगे। जाने से पहले हम हमारे हिस्से से कुछ माल इन बेचारे भले लोगों को छोड़ जाएंगे और इनके चुराए हुए पैसे भी। सच क्या बॉस? ट्यूब से निकला हुआ टूथपेस्ट और 30 बार खा की दी हुई जुबान कभी वापस नहीं जाती। खानों में खा, 30 बार खा। बस खराब हो गया छे, गाड़ी साइड में लो। अरे पागल हो गए दादा। अरे बुढ़िया ने देख लिया तो समझ जाएगी कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। स्मार्ट बॉय, आगे जाकर भाग करता हूँ। अरे ये बुढ़िया, अरे बीच में आ गई। अरे अरे तुम दोनों को रोल मिल गया। वैसे एक्टर बहुत बुरे हो लेकिन खैर कोई बात नहीं। लो पकड़ो, मैं भी शूटिंग पर आती हूँ। एक मिनट, मेरी बैग लेकर आती हूँ। तुम दोनों का नाम क्या है? चैटर्जी। मुखर्जी। दोनों की शादी हो गई? नहीं, अभी तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार भी नहीं हुआ है तो We just good friends. तो मैं आपस में शादी की बात नहीं कर रही हूँ किसी लड़की से। आज का सीन ध्यान से सुनिए। सुबेदार इधर देखो। इधर ट्रेन में बहादुर शाह जफर का खजाना है जिसे अंग्रेजी रेजिमेंट रानी विक्टोरिया बाई के लिए लेके जाने वाले हैं। देखने में ये रेजिमेंट हम जैसे हिंदुस्तानी लगते हैं लेकिन इनकी भोली भाली शक्ल पे मत जाना, वो अंग्रेज सरकार के तलवे चाटे वाले कुत्ते हैं। लोग क्रांतिकारी हो जो इस ट्रेन को रोककर उसमें से सारा खजाना लूट लोगे। लो जी सर, फिर लूटो, पहले बैंक अब ट्रेन। पिंचो, फिल्म का नाम भारत का खजाना है या चोरी मेरा काम? मां गया। ट्रेन तेजी से दौड़ती हुई आ रही है, तेजी से हराम खोलो। मुखिया जी, आप जी, आप अपना डंडा, मेरा मतलब है झंडा लेके आप आतिश के हाथों में दे दोगे, वो भी स्लो मोशन में। आतिश, आतिश बेटा, आतिश। सरकार,
तुम झंडा हाथ में लिए पटरियों के बीचों बीच खड़े हो जाओगे, वो भी स्लो मोशन में। दिखाओ, ये हुई ना बात। पटरी के बीच किसी को खड़े देखकर हैरान ट्रेन का ड्राइवर सीटी बजाता है। शाबाश शाबाश, लेकिन तुम डस से मस भी होगे। कभी नहीं। आजादी की ज्वाला तुम्हारे सीने में भड़क रही है और तुम जोर से चिल्लाओगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सुनो ए, मेरे एक इशारे पर तुम सारे गांव वाले भूखे नंगे भेड़ियों की तरह उस ट्रेन पर टूट पड़ना, समझे? और चुन चुन के उन अंग्रेजों के कपड़े फाड़ देना, फिर सारा खजाना छीन कर उस ट्रक में रख देना। और मैं क्या करूँगी? तुम रजिया सुल्तान हो। वाओ, वो कौन है? वो कौन है? बहादुर शाह जफर की बेटी। बहादुर शाह जफर की बेटी, और ये सारा खजाना तुम्हारे बाप का माल है। कमाल है। yeah! मैं और रोलेस लगा के आती हूँ। लगा, लगा, लगा। ये अगर रजिया सुल्तान है तो पिंचो मैं क्या हूँ? चाचा चाबड़ी नहीं, शेख चलिए। अरे यार, ये मरवाएगा क्या है? ट्रेन आ गई सर्जन। ट्रेन। यस। पहली बार तुमने मुझे बिना पूछे कुछ बताया ना, ना बिना पूछे। और आई होप इस ट्रेन से मेरे बाल खराब ना हो जाए। दुनिया के ऊपर से कलाकारों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। तैयार हो जाइए ओवर एक्टिंग की शूटिंग के लिए। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ट्रेन यहाँ रुकेगी? और बॉस, उसमें जो पुलिस वाले वो हम पर गोली नहीं चलाएंगे ना? 10 मिनट में तुम लोगों को पता चल जाएगा। और मुझे भी। बॉस, मैं इस फिल्म में हूँ भी कि नहीं हूँ? अरे यार बेटा डांबर, तुम्हारे बिना तो ये सीन करना बल्कि नामुमकिन है। तुम्हारे बगैर तो ये फिल्म ऐसे है जैसे शोले बिना सांबा, जैसे टाइटैनिक बिना छेद। तेरा नाम तो दुनिया याद रखेगी डिसूजा। सर आप जरूर याद रखेगा धुरंधर। धुरंधर याद रखूंगा दादर। आतिश, बक्से भारी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उसे अपने हाथों से उठाकर ट्रक में भरो। क्या तुम कर पाओगे? ऑफ कोर्स सर जी, वैसे भी अपना स्टंट्स खुद करता हूँ। बक्से तुम खुद उठाओगे तो तुम्हारी टूटी हुई पीठ का क्या होगा? अभी तो सेट कराइए सर जी। बांटी जी, आज बक्सा उठाऊंगा, कल ऑस्कर उठाऊंगा।
ये तो वो सुपरस्टार आतिश कपूर है। सर ऑटोग्राफ लेते हैं ना। जगताप नीचे उतरो। ए सर मलामाश नमक भारत माता की खाते हो और तलने अंग्रेजों की चाटते हैं। डर्टी डॉग, कहाँ है मेरे बाप का माल? मैडम मुझे नहीं पता आपका बाप कौन है। अबे ये क्या अपनी शूटिंग की नकली गन से ठाए ठाए कर रहा है? ये देख मेरी असली गन। मारो होने वाली बहू ने बुलाया है। इसकी माँ की उसकी माँ भी आई है। बहुत भारी है ना, मैं हेल्प करती हूँ। तू जा, ए, इसको लेके जा बुढ़िया को। मम्मी अरे कैसे लग रही है मेरी बच्ची? कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल सायरा मारू लग रही है ना? दुलिया मासियों गाना गाओ मेरे। ओहो मेरा पुराना फ्रेंड। हाँ। बोलो चटर्जी। हेलो सर। हमें 30 मार का मिल गया सर। वो यहाँ धूलिया में है सर। बेवकूफो, वो भारत का खजाना है। 30 मार का भारत का खजाना चुराने आया है और मैं उसी ट्रेन में हूँ। वैसे तुम लोग कहाँ हो? हम सर हम यहीं कहीं नजदीक में हैं। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं सर। शाबाश, क्या 30 मार का नजदीक है तुम्हारे? क्या वो फोन पे बात कर रहा है? Exactly, sir. वो फोन पर बात कर रहा है सर। Attack him. No, sir. I said attack him. Okay, sir. Attack him. साले के पास बंदूक है? तुम्हारे पास बंदूक है? हाँ, the latest piece, sir. Smith and Wesson. Yes. Excellent. अब उसमें से सारी गोलियां निकाल दो। अब सा सारी गोलियां निकाल दो। अरे लेकिन मैं गोलियां क्यों निकाल दूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर तुम्हारे समझ में आ जाता तो तुम मेरी तरह कमिश्नर नहीं बन जाते। मुझे 30 मार खा जिंदा चाहिए, समझे? जैसा बोलता वैसा करो। गोलियां फेंक दो एंड अरेस्ट 30 मार खा। ओके सर। हैंड्स ऑफ सर, हमने 30 मार का को अरेस्ट कर लिया सर। जाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। अरे सरप्राइज। की लुटती इज्जत बचाना और 30 मारखा को कैद करना, दोनों बेकार है। बुढ़िया गाड़ी में बैठ। गांव वालों गाते रहो, चारों ओर मैंने कैमरा लग दिया है। मुस्कुराओ, गाओ आतिश बाबू, गाओ गाओ। ऑस्कर का सूट सिलवाने गए। मुझे भी गाउन सिलवाना था। प्लीज मुझे शूटिंग में। हां मैं दिखाता हूं। हां दिखाता हूं। हां ए ए तू इसको काम कर, इन दोनों को लेके जा मुंबई। अरे मां तू चल यार, तू अपना मसाला करके टांगे वाले अंदर कर, जल्दी कर।
जल्दी जल्दी लेके जा इनको मुंबई, लेके जा। अगला शॉट कब है? हाँ, अगले साल है, चल। ट्रक की चाबी दे जल्दी। क्यों, सारा माल क्या बैंक में डिपॉजिट करना है? नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कुछ माल गांव वालों के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। बड़े दिल वाला। अरे वाह दीताली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, समझे ना, अपना फैसला सुना रहा हूँ। और वैसे भी हम हमारे हिस्से से दे रहे हैं, तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। चल चल चाबी निकाल अब जेब से, चल बे। सर हिस्सा। इंस्पेक्टर होके क्रिमिनल की मदद करता है? मैं हूँ कमिश्नर खड़क सिंह। तुम सब ने भारत का खजाना लूटने में जिसकी मदद की है वो है वांटेड क्रिमिनल तीस मार खां। क्या? ये कैसे हो गया सर जी, मेरे तो समझ में नहीं आई, पेन तो पता ही नहीं चला। तीस मार खां। जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। सुन 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 सुन, हम दोनों इसको बैंक में रख देते, टू और टू इन वन का ध्यान रखना। ओके जल्दी जा। बॉस लगता मर गया, एक बार चेक कर लूं। तेरे खालू लगते हैं वो। नहीं बॉस। हेलो तीस बार खां, एक और बक्सा चाहिए? अभी भेजते हैं। ए बॉस ने एक और बक्सा मंगाया। ओके ओके। सालों को जाने क्यों दिया? उसने बोला क्या, आपने बोला? मैंने कब बोला उसको? Hand is up। अरे यार छोड़ना। Hand is up this man, हाँ? अब बोल। ये बेचारा अभी भी कैरेक्टर में है। शूटिंग खत्म हो गई। खेल तो तुम्हारा खत्म हो चुका है तीस मार खां। देखो तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम एक अच्छे एक्टर हो। मुंबई में आओ, यश चोपड़ा से मिलाएंगे, हमारे खालू हैं वो। शूटिंग वोटिंग बहुत हो गई, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। धरिंदर। धरिंदर नहीं, थोरिंदर। इंस्पेक्टर थोरिंदर, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर। इज्जत से नाम लो मेरा। हैंड इज अप। यू आर अंडर अरेस्ट तीस मार खां। तीस मार खां, यू आर अंडर अरेस्ट। तुझे तो मैं मुंबई में देख लूंगा दुर्योधन। ऑर्डर ऑर्डर, आरोपी को पेश किया जाए। ये सारे के सारे आरोपी हैं? जी हाँ मिलॉर्ड, सारा गांव मुजरिमों से भरा हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर, शांति। सब एक एक करके बोलिए भाई। सारे गांव ने मिलकर डकैती की है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शांति, चुप करो। तुम कौन हो भाई? इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर मनोज डे रामलन। मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए नकली खजाना मंगाया था, लेकिन सर किसी कमीने ने असली खजाना भेज दिया और मुझे पूरा शक है स्टीवन पर। स्टीवन स्पिलबर्ग झूठ बोलता है। मिलॉर्ड, सबसे पहली बात तो यह है कि ये खुद एक वांटेड क्रिमिनल है, और दूसरी बात यह है कि ये 11 मर्तबा जेल जा चुका है और 25 मर्तबा जेल से फरार हुआ है। How dare you? I'll sue you for defamation. अरे पहले ये केस तो खत्म कर ले। Sorry sir. इसकी असलियत साबित करने के लिए मैं पेश करना चाहता हूँ अपने दो गवाह, स्पेशल ऑफिसर्स चटर्जी और मुखर्जी। गो अहेड। योर ऑनर, हमने इसे पर्सनली गिरफ्तार किया था पेरिस से, लेकिन यह हम दोनों को चकमा देके चला गया। यस योर ऑनर, यही है इंटरनेशनल क्रिमिनल तबरेज मिर्जा खान उर्फ तीस मार खान। ठहर जाइए जज साहब, ठहर जाइए। ये मुजरिम नहीं, ये तो भगवान का अवतार है।
डायरेक्टर साहब ने खजाने का ये हिस्सा बैंक में हमारे लिए छोड़ दिया था, हम गांव वासियों के लिए, पता है? बड़े दिल वाला। जज साहब, इन्हीं की वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिला। ये मुजरिम नहीं हो सकते। हाँ। नहीं हो सकते। जज साहब, ये 30 मार का है तो उससे हमें क्या है? लेकिन हमेशा इन्होंने हमारे गांव का भला चाहा। हाँ, हमेशा भला चाहा। मेरा बेटा भले ही क्रिमिनल है पर दिल का बड़ा अच्छा है और क्यूट भी। जज साहब, अगर ये मुजरिम होते तो गांव वालों के लिए खजाना थोड़े ना छोड़ते। और क्या, और क्या? और क्या? अस्कर का झूठा सपना दिखा कर ही सही। आज इन्हीं की वजह से मेरा अंदर छुपा कलाकार जागा है। जज साहब, अगर ये मुजरिम है तो मैं भी मुजरिम हूँ। मुझे भी सजा दो, मुझे भी सजा दो, मुझे भी सजा दो। अरे क्यों लो? अरे हमें क्या जानी दादा? अरे हमें भी सजा दो। देखा मैं लॉर्ड, ये सब मुजरिम है, दीजिए सजा इन्हें। देता हूँ, बराबर देता हूँ। अरे चुप करो तुम लोग, अरे मुझे तो बोलने दो। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत 30 मार खा और दुलिया के सारे वासियों को मुजरिम करार ठहराती है। कर। एक मिनट जज साहब। अब क्या है? ये सारे लोग बेगुनाह हैं, गुनहगार सिर्फ मैं हूं, बल्कि मैंने इन भले लोगों के साथ विश्वासघात करके इन्हें गुमराह किया है। ये लोग तो जानते भी नहीं थे कि चोरी हो रही है, इसलिए जज साहब मैं दरख्वास्त करूंगा कि सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, सजा तुझे ही मिलेगी। ये अदालत तुझे 7 साल के लिए सजा फरमाती है, जाओ। अरे 7 साल तो यूं ही जल्दी में गुजर जाएंगे। अबे 7 नहीं 60, 60 केस डिसमिस। अरे 7 नहीं 60 साल, 60 हमें भी ले चलो। नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जेल में नहीं लेके जा सकता हूँ। तुम लोगों को बाहर रहकर मेरा अधूरा काम पूरा करना है, मेरा सपना पूरा करना है। बस क्या बॉस, अब आपकी आनिया के हरामी साला। बॉस अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो चला गया, खजाना भी। एक चीज बाकी है। माँ? नहीं, सिनेमा। सिनेमा? हाँ, भूल गए हमारी अधूरी फिल्म भारत का खजाना। हाँ, हाँ, हाँ। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो फिल्म खत्म करके रिलीज करो। ठीक है बॉस। और जितना भी मुनाफा हो वो सब गांव वालों में बांट देना। बॉस, और आप? की लुटती हुई इज्जत बचाना और 30 मार खां को कैद करना, दोनों बेकार है। दोनों बेकार है। अच्छा भाइयों, वर्ल्ड प्रीमियर पे मिलता हूँ। अरे प्रीमियर पे मिलता हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल 30 मार खा की बात हो रही है। आज आपको स्पेशल परमिशन मिली है अपनी फिल्म की प्रीमियर पे आने के लिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दो चीज रिलीज होने वाली है। दो चीजें? जी हाँ, एक मेरी फिल्म और दूसरा मैं। मतलब ये कि उगता हुआ सूरज और भागता हुआ 30 मार खा दोनों कभी किसी के हाथ नहीं आते। याद रखना, भाग जाऊंगा।
नंगे कर। फिल्म है ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। अरे मुझे क्यों भाग गया यार? अरे ये फिर से भाग गया? अरे मेरी नहीं। अरे सर, अरे सर, अरे सर जी, जी। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दे सकता हूँ, अगर तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे वापस लौटा दो तो। हिस्सा अभी देते है। अब जॉइंट अकाउंट हमने ये सोचा है कि हम तुम्हारा पैसा और प्लेन दोनों पे कब्जा कर रहे हैं, है ना कैप्टन? यस बॉस। प्लेन संभाल। लकीली एक पैराशूट मिला है मुझे, इसे पहनो और तुम दोनों कूद जाओ, जाओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ही इज जोकिंग। ओके, गो 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 गो, बाय बाय। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। Everybody's looking for a happy ending. Happy ending, happy ending. कुत्ते के मुंह से हड्डी और तीस मार खा की नोटों की गड्डी, दोनों छीनना बेकार है, impossible.